हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जरा सा पाइथन में इंक्रीमेंट पर डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीमेंट क्या है उसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले पाइथन की आईडी ओपन कर लेता हूं, जो ट्रेडिशनल आईडी है पाइथन की, उसी पे हम सीखेंगे। तो यहां से इसे ओपन कर लिया है मैंने, और ओपन करने के बाद यहां से कंट्रोल एंड प्रेस करके न्यू पेज लेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल एंड प्रेस किया, नया पेज हमने ले लिया है। यहां पर हम लगाएंगे सीधा सीधा फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप लगा करके देखेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहां पर लगाता हूं फॉर, ठीक है। और यहां पे क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आई इन, इन एक ऑपरेटर है, और यहां पे रेंज, रेंज का यूज करेंगे, ठीक है ना। और यहां पे रेंज काम कैसे करता है, देखिए रेंज की जो बात है ना, यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 लिख दिया, फिर यहां कॉमा दिया, फिर यहां लिख दिया 20, ठीक है, फिर यहां लिख दिया 2। अब ध्यान दीजिएगा ये काम कैसे करता है, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा सा कॉमेंट लगा करके बता देता हूं। सबसे पहले रेंज जो है, ये जो वैल्यू दी गई है वो कैसे कैसे काम करती है। तो रेंज में जो पहली वैल्यू 10 है वो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग, ठीक है ना, ये क्या है, स्टार्टिंग है। जो दूसरी वैल्यू 20 है ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये दूसरी वैल्यू 20 एंडिंग पॉइंट हो जाएगी, और ये जो है इंक्रीमेंट है, क्या है, इंक्रीमेंट, इसी को इंक्रीमेंट बोलते हैं, समझ में आई बात। ये जो है इंक्रीमेंट है, तो ये इंक्रीमेंट भी कर दिया हमने। यहां पर आते हैं, अब यहां पे इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या आता है इंक्रीमेंट। जैसा कि मैंने बताया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंट होगा। तो यहां पर अगर मैं आई को प्रिंट करवा दूं, आई को मैं प्रिंट करवा दूं तो क्या आना चाहिए। तो यहां पर पहले इसको सेव कर लेता हूं, incre.py के नाम से ये सेव कर लिया हमने। और सेव करने के बाद देख सकते हैं 10 के बाद 12 आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर कोड देखिए, कोड में क्या है 10 से लेकर 20 तक, अच्छा दो दो का इंक्रीमेंट किया, यानी 10 के बाद 11 फिर 12 आएगा, ठीक है। फिर देखिए 12 के बाद 13 फिर 14 आएगा, क्या होगा यहां पर अगर मैं 1 लिख देता हूं, यहां पर अगर मैं 1 लिखूंगा, सॉरी यहां पे 1 लिखना है। तो यहां पे अगर मैं 1 लिख देता हूं तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 ऐसे करके ये प्रिंट करेगा, और लास्ट में जाकर के एक माइनस कर देगा, यानी 19 तक ही प्रिंट करना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 और इस तरीके से करके 19 तक ये जा रहा है, समझ में आ रही है बात। अगर मान लीजिए यहां पर मैं कर देता 3, तो 3 करने से क्या होता उसको भी समझ लेते हैं। यहां पे कर दिया मैंने 3, ठीक है, और यहां से 5 किया और एंटर किया। तो अब देखिए यहां पे 3-3 का गैपिंग 3-3 का बनता जा रहा है। अगर 4 कर देंगे तो 4-4 का गैपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से वो भी कर लेते हैं, 4 कर दिया, ठीक है, इसको इस तरीके से रखेंगे और यहां से सेव करके फिर यहां से F5 करेंगे। तो ये देखिए अब 4-4 का गैपिंग देख रहे हैं,